उसमें ऑलरेडी ओटीबी हो रहा है और स्किन का भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर बैठ रहे हैं, हमारे पास नहीं है तो माइक्रो ये नहीं है न्यूरोलॉजी का, वो इंशाल्लाह उसके भी आगे मेयर साहब ने बताया, हमारे प्रेसिडेंट भी हैं इस्लामिया हॉस्पिटल के, ये उनके लिए भी हम लोग सोच फिक्र कर रहे हैं और आने वाला 2-3 महीने के अंदर में वो भी हम लोग मुहैया कराएंगे। जहाँ पर ये हॉस्पिटल में स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है वो हम पहले दिन आके वो उसको कंपलसरी कर दिया, जो सब स्वास्थ्य साथी कार्ड से ही होगा और ये आवाम के लिए बहुत बड़ा है क्योंकि नेचुरल आदमी, अब हमारा सरकारी हॉस्पिटल ऑपोजिट में मेडिकल कॉलेज, वो ओवरक्राउडेड रहता है तो नेक्स्ट उसका डेस्टिनेशन यही है इंशाल्लाह ताला। हम लोग एक हफ्ते में डिपार्टमेंट को रन कर लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें को सिक्योर करने की ज़रूरत है, जो सप्लाई मशीन है उसको सप्लाई चैन को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, उसके बाद एक हफ्ते में हम लोगों का पूरा चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। इमरजेंसी में जिनको लग रहा है कि काफ़ी सीवियर चेस्ट पेन है, बहुत टाइटनिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन है, स्वेटिंग हो रहा है, तो नज़दीकी केमिस्ट काउंटर से, हम लोग मेडिकल कॉलेज में, मैं हूँ एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ, हम लोग तो 25-30 साल के बच्चों को भी हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी किया है, तो इन सब केसेस में जहाँ लोग कमा नहीं पा रहे हैं, पैसा का इनकम कम है, उन लोग वो तो उनका डेथ अगर इस एज में हो जाता है 30-40 में तो पूरा फैमिली टूट जाता है। देखिए अगर आपको हार्ट का दर्द हो रहा है, जो यहाँ बंगाल में है कि हमारा भाभी जन एट गैसर बैठा, इतना तो नॉर्मल ये होते, किंतु जब अगर दर्द आपको चलने में भी हो रहा है, बैठे में भी रहने हो, तो वो चांस है कि हार्ट का ही दर्द है, चलने में भी दर्द हो रहा है और बैठे रहने में, सिर्फ अगर बैठे रहने में दर्द हो रहा है तो शायद गैस का बैठा, मतलब चलने में दर्द हो रहा है, बैठे रहने तो गैस का हार्ट का दर्द है, और हार्ट का दर्द तभी और ज़्यादा चांसेस आपके पास, प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है, स्मोकिंग है, ये सब चीज़ भी अगर है तो आप मान लीजिए कि हार्ट का ही होने का चांसेस है। महानगर कोलकाता का इस्लामिया हॉस्पिटल अब तेज़ी से हाईटेक और तमाम इक्विपमेंट के साथ मरीजों के इलाज के लिए तत्पर है। आज इस्लामिया हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट और कोलकाता के मेयर फिराद हकीम के हाथों कैथ लैब और सीटीवी विद आईटीयू डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सभी ने खुशी जताई और कहा अब इस्लामिया हॉस्पिटल और बेहतरीन तरीके से मरीजों का इलाज कर सकेगा। फिराद हकीम ने कहा कि हम हर दिन चुनौतियों से लड़कर आगे आ रहे हैं और हर एक कमी को पूरा करते हुए आवाम के लिए आसानी मुहैया करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर एक तबके के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। वहीं जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि लोगों को यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड का भरपूर फायदा मिलेगा और नए तकनीक के साथ हम लोगों को बेहतर इलाज दे पाएंगे। आइए सुनते हैं इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा है। मैं परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्हें उनका रहमत से आज आस्ते आस्ते इस्लामी हॉस्पिटल एक फुल फ्लेज्ड सुपर स्पेशलिटी हो गया। आज आठ ओटी के साथ कैथ लैब, सीटीवीएस और सब दूसरा जो जो डिपार्टमेंट सब आज इस्लामिया हॉस्पिटल में आ गया। खाली एक न्यूरोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, वो भी हम गवर्नमेंट को अप्लाई किया है, अगर इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। प्रत्येकटा धर्म धर्मे धर्मे मिलन शेखा, আর সেই মিলনটা একমাত্র সেবার মাধ্যমে আসতে পারে। তাই সব ধর্মের সেবা হচ্ছে মূল মন্ত্র। যে ধর্ম যত বেশি সেবাতে নিয়োজিত হবে, সেটা আমি নিশ্চিতভাবে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে শিখেছি, তত বেশি সেই ধর্ম প্রচার, সেই ধর্মের প্রতি আস্থা, সম্মান, সেটা মানুষের মনের মধ্যে আসবে। দম্ব দিয়ে, অত্যাচার দিয়ে, চমক দিয়ে ধর্ম প্রচার করা যায়। ধর্ম প্রচার মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সেবা করে, সেবার মাধ্যমে ধর্মের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা, আস্থা, ধর্মের প্রতি মানুষের যে যে এটা মানে কি সেটা একমাত্র সেবার মধ্যে দিয়ে আসে। তাই সব ধর্মের যারা ধর্মগুরু আছেন তারা সেবার কথা বলেছেন। অত্যাচার করে, কারোর মনে ব্যথা দিয়ে ধর্ম পালন হয় না, পালন করতে গেলে সেবা করতে হয়। এবং আমি বারবার করে বলছি, এটা আমি রামকৃষ্ণ মিশন, ইয়ে আওয়ামকে লিয়ে বহুত বড়া তোফা হ্যাঁ, ক্যুকি ইয়াঁ পর
हम लोग शास्त्रो साथी रेट से काम करते हैं, और जहाँ पर ये हॉस्पिटल में शास्त्रो साथी कार्ड जो है वो हम पहले दिन आके वो उसको कंपलसरी कर दिया, जो सब शास्त्रो साथी कार्ड से ही होगा। और ये आवाम के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि नेचुरल आदमी, अब हमारा सरकारी हॉस्पिटल ऑपोजिट में मेडिकल कॉलेज, वो ओवरक्राउडेड रहता है, तो नेक्स्ट उसका डेस्टिनेशन यही है। तो हम खुद भी अपना बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर भेजते हैं, जहाँ पर हार्ट के लिए हमारा एक प्रॉब्लम होता था। कभी हम पीछे खड़े हुए हैं सरोज मंडल साहब उनको, कभी इमरान साहब को पकड़ के एक आध पेशेंट को हम लोग एडमिशन कराते हैं हॉस्पिटल में। तो ये हो जाने से हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहूलियत होगा, हमारा जो काम वो आगे लाएगा, हमारा मुंह से बोलना और बड़े बड़े बात करना उसमें हम आगे नहीं आ पाएंगे। हमें आस्ते आस्ते पीपल्स कॉन्फिडेंस एंजॉय करना पड़ेगा, और वो हमारे एक्शन से होगा। और हम मैंने बहुत बहुत बधाई देंगे उन लोगों को, और उन लोगों को ये कहेंगे कि उनके लिए बहुत बड़ा दिन का शुरुआत है। वो सारी फैसिलिटीज जो एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड मिलता है, वो सारा फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में मिलेगा लोगों को आज के दिन से। इंशाल्लाह ताला हम लोग एक हफ्ते में डिपार्टमेंट को रन कर लेंगे। छोटी मोटी चीज़ें को सिक्योर करने की ज़रूरत है, जो सप्लाई मशीन है उसको सप्लाई चैन को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक हफ्ते में हम लोगों का पूरा चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, रेगुलर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और तकरीबन 10-15 दिन में हम लोगों का जो कार्डियोवास्कुलर सर्जरी यूनिट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशन भी इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल हो जाएगा। इमरजेंसी में जिनको लग रहा है कि काफ़ी सीवियर चेस्ट पेन है, बहुत टाइटनिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन है, स्वेटिंग हो रहा है, तो नज़दीकी केमिस्ट काउंटर से एक इकोस्प्रिन या एस्प्रिन नाम की दवाई होती है, वो एक खा सकते हैं, और एक सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम का टैबलेट है, ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कोशिश करें, एक गैस की दवाई ले लें, और कोशिश ये करें कि अपने नियरेस्ट नज़दीकी अस्पताल तक फौरन पहुंच जाएं। एस्प्रिन 75 मिलीग्राम का होता है, एमजी का होता है, और सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम एस्प्रिन खा लिया जाता है, और सॉर्बिट्रेट को ज़ुबान के नीचे रखा जाता है। सॉर्बिट्रेट लेने से फौरी तौर में दर्द में कुछ राहत महसूस होगी उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिजीज़ की सीवियरिटी तो वो अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे, और सीवियरिटी के अनुसार मैनेजमेंट होता है और डिफरेंट सपोर्ट्स लगती हैं, उसके लिए उनको अस्पताल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आकर के रेगुलर ओपीडी में कंसल्टेशन करेंगे, और जिस डिपार्टमेंट का अगर ऑर्थो ऑपरेशन कराना है तो ऑर्थो डिपार्टमेंट में कंसल्टेशन करेंगे, और वहाँ से उनका प्रोसीड्योर स्टार्ट हो जाएगा। जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट है तो जनरल सर्जरी में आकर के कंसल्टेंट से कंसल्ट करेंगे, वहाँ से उनका ऑपरेशन का प्रोसीड्योर शुरू हो जाएगा। गायनी ऑपरेशन अगर है तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, और वहाँ से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी प्रोसीड्योर है तो आकर के वो इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करेंगे, इमरजेंसी में जो कंसर्न्ड कंसल्टेंट है उसके साथ रابطہ कायम करके उनके अंडर में एडमिट करके सारे प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है आज की डेट में, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए कैथ लैब मशीन लगा लेना, हार्ट लंग मशीन लगा लेना, मैं लोगों को इस बारे में बहुत बड़ी मुबारकबाद दूंगा, मेरे प्रेसिडेंट को, मेरे सेक्रेटरी को बहुत मुबारकबाद दूंगा, और लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार है, तोहफा है नए साल के लिए। देखिए, जो देखा जा रहा है इंडिया में, कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, 40-50 साल के कम में। हम लोग मेडिकल कॉलेज में, मैं हूँ एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ, हम लोग जो 25-30 साल के बच्चों को भी हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी किया है। तो इन सब केसेस में जहाँ लोग कमा नहीं पा रहे हैं, पैसा का इनकम कम है, उन लोग वो तो उनका डेथ अगर इस एज में हो जाता है 30-40 में, तो पूरा फैमिली टूट जाता है। तो ऐसे हालत में कैथ लैब का होना, जब हम लोग ब्लॉक अगर जैसे होता है उसी वक्त हम लोग ब्लॉक को खोल दें, तो ये फ़ायदा होता है कि वो जान को हम लोग बचा सकते हैं। हार्ट फेलियर होने के पहले अगर हम लोग हार्ट को ब्लॉक खोल देते हैं तो उनका जो नॉर्मल ज़िंदगी लीड करने का भी एक चांस रहता है। तो ये फैसिलिटी कैथ लैब दे रहा है, और कम पैसे में या फ्री में शास्त्रो साथी में अगर हो जा रहा है तो इसके में ये तो सोने पर सुहागा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपने देखा कैथ लैब में स्टेंट और पेसमेकर होता है, और जो बाईपास का ऑपरेशन थिएटर है उसमें बाईपास ऑपरेशन है, ये तीनों चीज़ यहाँ अवेलेबल है। क्या अगर मान लीजिए कोई अगर पेशेंट आता है उसको क्या
उनको देखिए जनरली ये सब पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में चेस्ट पेन लेकर, तो यहाँ तो फुल फ्लेज्ड इमरजेंसी चल रहा है, यहाँ इमरजेंसी में आएंगे उसके बाद इनको आईसीयू में लिया जाएगा और डॉक्टर जो रहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट मैं रहा या कोई भी जो डॉक्टर अवेलेबल वो उनको फिर कैथ लैब में लेकर जाकर ओटी करके ब्लॉक खोलेंगे। देखिए अगर आपको हार्ट का दर्द हो रहा है जो यहाँ बंगाल में है कि हमारा भाभी जन गैसर बैठा इतना इतना नॉर्मल ये होते, किंतु जब अगर दर्द आपको चलने में भी हो रहा है बैठे में भी रहने हो तो वो चांस है कि हार्ट का ही दर्द है, चलने में भी दर्द हो रहा है और बैठे रहने में। सिर्फ अगर बैठे रहने में दर्द हो रहा है तो शायद गैस का बैठा, मतलब चलने में दर्द हो रहा है बैठे रहने तो गैस का हार्ट का दर्द है, और हार्ट का दर्द तभी और ज़्यादा चांसेस आपके पास प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है स्मोकिंग है ये सब चीज़ भी अगर है तो आप मान लीजिए कि हार्ट का ही होने का चांसेस है, तो आपको फौरन जाकर इमरजेंसी में या किसी डॉक्टर का ECG करना है बेसिक टेस्ट। इससे पहले अगर हार्ट अटैक आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पसीना आ रहा है तो आपको एक एस्पिरिन टैबलेट होता है 325 मिलीग्राम का एस्पिरिन टैबलेट आप ले लें, उससे क्या है कि खून वो पतला कर देगा, जो क्लॉट जम रहा है उसको एक मौका टाइम मिल जाएगा हॉस्पिटल के जाने से पहले कि आपको खून पतला रहे तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा पेशेंट को। बाकी आपको इमरजेंसी में एकदम जाना है और जाकर पेशेंट को ECG कराकर इकोकार्डियोग्राफी ये सब फैसिलिटी इस्लामिया में भी अवेलेबल है करके अगर ज़रूरत हुआ तो कैथ लैब में जाकर ओटी करके ब्लॉक होना। सर जेब में दवा का ये नहीं है, मगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक जिनके हुआ तो ये कहीं भी दुकान में किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, वो ऐसे लेकर आप यहाँ आ सकते हैं, ये एक दवा ले सकते हैं, लेकिन कोई और दवा लेना वो शायद डॉक्टर के एडवाइस के बिना लेना सही नहीं रहेगा। उसमें ऑलरेडी OTB भी हो रहा है और स्किन का भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर बैठ रहे हैं, हमारे पास नहीं है तो माइक्रो ये नहीं है न्यूरोलॉजी का, वो इंशाल्लाह उसके भी आगे मेयर साहब ने बताया, हमारे प्रेसिडेंट भी हैं इस्लामिया हॉस्पिटल के, ये उनके लिए भी हम लोग सोच फिक्र कर रहे हैं और आने वाला 2-3 महीने के अंदर में वो भी हम लोग मुहैया कराएंगे। ये तोहफा तो इस्लामिया हॉस्पिटल में जो लोग इलाज उठा रहे हैं जो यहाँ आ रहे हैं ये जो सेवा हो रहा है वही एक तोहफा है हम लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए, उनके दिल में अल्लाह ताला रहम पैदा कर दे। हाँ। आ सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आ सकते हैं। कैथ लैब में जो है 2-3 दिन के अंदर में हम लोग वहाँ स्टार्ट कर देंगे, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर कैथ लैब को इन्हीं के माध्यम में चलेंगे और बाद बाकी हमारे सारे सिस्टम पूरा अपडेट है, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर में हमारा स्टेन का और एंजियोग्राफी वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा। नॉमिनल चार्ज में करेंगे, जो 700 साथी का रेट है, जिनके पास 700 साथी कार्ड नहीं है उसी रेट में हम लोग यहाँ इलाज करेंगे और जिनके पास 700 साथी कार्ड है उसी 700 साथी में इनका पूरा इलाज होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक दवा का पैसा भी नहीं लिया जाएगा और ना डॉक्टर का ना OT का किसी चीज़ का भी नहीं। पे बहुत गौर फिक्र करने की बात है और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा इस्लामिया हॉस्पिटल, इससे पहले भी कोविड में इस्लामिया हॉस्पिटल काम किया था, नेक्स्ट उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, टॉप फ्लोर हमारा खाली है वहाँ कोविड के लिए सारा अरेंजमेंट है। बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है और ये अचीवमेंट सिर्फ इस्लामिया हॉस्पिटल के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो कम पैसे में 700 साथी का सेवा यहाँ पर ही उठा सकेंगे और ये तमाम कैथ लैब और CTVS मशीन जो भी लगे हैं ये सब 700 साथी कार्ड के इसमें जो है इशू होगा।